पिंपल्स, कालापन और बारीक दानों से पाइए छुटकारा। दोस्तों, गर्मियों के टाइम में आप सबके साथ ये जरूर होता होगा कि आपके स्किन में बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। गाल के दोनों तरफ आसपास छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा पसीना और ऑयलिंग होने की वजह से स्किन पर बार बार पिंपल्स, बारीक बारीक दाने पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिंपल एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल आपके चेहरे से न सिर्फ ओपन पोर्स को खत्म कर देगा बल्कि आने वाले पिंपल्स और आने वाले बारीक दानों से भी आपको पूरी तरह से छुटकारा दिला देगा। दोस्तों, इसके लिए बस आपको चाहिए टमाटर और इसके पल्प को, इसके जूस को आप एक बॉल के अंदर अच्छी तरह से निकाल दीजिए। टमाटर का जूस एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी से भरपूर है जो कि आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के साथ साथ ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली एंड क्विकली रिमूव करने में हेल्प करता है। ओपन पोर्स की वजह से कई बार स्किन बहुत ज्यादा लूज और ढीली ढीली पड़ जाती है, तो इस तरीके से 1 से 2 चम्मच टमाटर का पल्प और जूस लेकर इनको दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अपना दूसरा इंग्रेडिएंट लीजिए कुकुम्बर। खीरे का रस हो या फिर एक्सट्रेट आपके स्किन के पसीने, रिंकल्स को पसीने के लिए और स्किन के कालेपन को रिड्यूस करने के लिए गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको इस तरीके से एक खीरे को लेकर इसको अच्छे से ग्रेट करना है। खीरे के इस रस को कॉटन के किसी कपड़े या फिर छन्नी की मदद से निकाल लीजिए और इसको आप एज अ टॉनर भी यूज कर सकते हैं। आपकी त्वचा से सारे कालेपन को हटाने के लिए खीरे का रस सबसे ज्यादा अच्छा होता है। टमाटर के जूस में 2 चम्मच मिला दीजिए खीरे का रस और लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर दें 1 चम्मच हनी यानी शहद। ओपन पोर्स के लिए हनी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पोर्स को टाइटन अप करता है, क्लीन करने में हेल्प करता है। ये जो रेमेडी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इसको एक बार गर्मियों के टाइम पर ट्राई जरूर करके देखना क्योंकि ये आपके फेस से काफी सारी प्रॉब्लम को ठीक करती है, आपके स्किन को काफी ज्यादा निखार देती है। ओपन पोर्स के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी है, गर्मियों के पिंपल्स और निशान के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग रेमेडी है। इस रेमेडी को यूज करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको एक कॉटन की मदद से इसके अंदर डिप करना है और इसको फेस पर अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करनी है। इसको फेस में अच्छी तरह से अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में मसाज जरूर करें। जहां पर भी आपको पोर्स की प्रॉब्लम है, आपके गालों पर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, पसीना बहुत ज्यादा निकलता है या फिर बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं, तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखें। आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में ही आपकी स्किन से ओपन पोर्स, ढीलापन स्किन का, पसीना आना, पिंपल्स, ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। एक बार इस रेमेडी को, DIY को जरूर ट्राई करके देखें एंड आई होप कि आपको ये इजी DIY जरूर अच्छा लगा हो। तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।